हम लेने वाले हैं, तो जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर साइंस का पोर्शन है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम थोड़ा कुछ ही देर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक कर लें, है ना, और सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। चलिए फर्स्ट का आंसर आपको करना है, किडनी क्रिस्टल आर सॉलिड क्लस्टर, है ना। रक्त किडनी में जो पथरी होती है ना, वो एक ठोस समूह होता है, उसमें मेनली क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, किडनी में जो पथरी होती है उसमें ठोस समूह जो बन जाता है, उसमें क्लस्टर होता है, वो समूह होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली। कैल्शियम नाइट्रेट एंड यूरिक एसिड होता है, या फिर फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड यूरिक एसिड, ऑप्शन डी कैल्शियम मेटा बाइसल्फाइड एंड यूरिक एसिड, बताइए। कमेंट करना है आपको जल्दी से। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। देखिए, किडनी में, किडनी का जो स्टोन होता है उसमें मेनली क्या होता है, फॉस्फेट और यूरिक एसिड होता है, फॉस्फेट और यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड का आंसर आपको करना है, यूरिकोटेलिज्म इज अ मेथड ऑफ कंजर्व, है ना। यूरिकोटेलिज्म जो होता है इसमें किस पदार्थ का संरक्षण होता है ना, किस पदार्थ की सेविंग करी जाती है या संरक्षण होता है, सोडियम और पोटेशियम का, स्पेस का, वाटर का, या एनर्जी का, बताइए। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। चलिए सेकंड का आंसर आपको करना है, सोडियम आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सक्रीशन उत्सर्जन तंत्र के रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड का आंसर आपको बताना है यूरिकोटेलिज्म, है ना। यूरिकोटेलिज्म आपको पता होगा क्या होता है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन, है ना, यूरिक एसिड की फॉर्म में जब उत्सर्जन किया जाता है उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाटर का कंजर्वेशन होता है, क्या होता है, वाटर को बचाया जाता है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड का आंसर करना है आपको, अ मैन टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ही इज लाइकली टू एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ, एक मनुष्य भोजन में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में लेता है ना, अगर कोई प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है तो कौन सा पदार्थ ज़्यादा उत्सर्जित होगा, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया एंड यूरिक एसिड, या सॉल्ट, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर करना है आपको। बताइए जल्दी से, कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, एक मनुष्य के जो उसके भोजन में क्या है, प्रोटीन अगर ज़्यादा अगर वो खा रहा है तो प्रोटीन में आपको पता है नाइट्रोजनस अमाउंट ज़्यादा होगा, है ना,
प्रोटीन में क्या होता है बेसिकली, प्रोटीन है क्या, अमाइनो एसिड की चेन है ना, उसमें नाइट्रोजन होता ही है, तो उसके वेट वेस्ट में यूरिया और यूरिक एसिड भी ज़्यादा होगा है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर आपको करना है एक्सक्रीशन मीन्स है ना, उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंट एंड है ना अनुपयोगी व अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों का निष्कासन, ठीक है। ऑप्शन बी शरीर उपयोगी व पदार्थों का उत्पादन, ऑप्शन सी शरीर का भाग न बनने वाले पदार्थों का निष्कासन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बताइए। जल्दी से कमेंट करते जाइए और आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, एक्सक्रीशन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन दे देगा अनुपयोगी व अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों का निष्कासन, ऑप्शन बी शरीर उपयोगी, ठीक है, या ऑप्शन सी शरीर का भाग न बच्चन बनाने वाले पदार्थों का निष्कासन, या ऑल ऑफ दी है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनुपयोगी जो अधिक मात्रा में पदार्थ उपस्थित है उनको बाहर निकालना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ का आंसर करना है आपको, सरप्लस ऑफ अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया है ना, अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है ये आपको बताना है, किडनी में होता है, स्वेट ग्लैंड में होता है, स्प्लीन में होता है, या फिर लिवर में होता है, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है ना, अमीनो अम्ल जो होता है वो हमारे बॉडी में कन्वर्ट होके यूरिया में कन्वर्ट होता था, ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, लिवर में होती है, कहाँ पे होती है, लिवर में होती है, और एक साइकिल चलता है लिवर में, एक साइकिल होता है इसके लिए ऑर्निथिन साइकिल, क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल चलता है जिसमें ये प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, ये काम सिर्फ लिवर में होता है, लेकिन बॉडी से निष्कासन के लिए जो काम होता है वो किडनी में होता है, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है, यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बट जब बॉडी से बाहर रिमूव करना है तो उसके लिए ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, किडनी में होगी है ना, यूरिन की फॉर्म में जब बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग नाइट्रोजिनस सब्सटेंट इज हाईली टॉक्सिक है ना, कौन सा जो नाइट्रोजन पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, या अमोनिया, ठीक है, बताइए। सिक्स का आंसर करना आपको, चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखिए हाईली जो टॉक्सिक होता है, एक हिंट है, एन यू है ना, एन का मतलब अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और फिर अमाइन एसिड, अमाइन एसिड है ना, तो आपको ये हिंट याद रखना नोआ है ना, एन यू यू ए ए, यू दो बार आएगा, ए भी दो बार है ना, तो एन का मतलब अमोनिया, यू का मतलब यूरिया, यू सेकेंड यू का मतलब यूरिक एसिड, ठीक है, ये यूरिक एसिड और ये अमाइन एसिड, ठीक है, तो ये है टॉक्सिसिटी का ऑर्डर है, क्या है, टॉक्सिसिटी का ऑर्डर है ना, ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा है ना। चलिए आगे देखते हैं, सेवन का आंसर आपको करना, समुद्री टीलियो सड़ने के बाद तीव्र दुर्गंध उत्पन्न करती है जो निम्न में से किसके बनने के कारण होती है, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, या लैक्टिक एसिड, बताइए। कमेंट करना है आपको जल्दी से,
चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखो समुद्री टीलियोस जो होते हैं सड़ने के बाद तीव्र दुर्गंध क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एट्थ का आंसर आपको करना है विच वन इज नॉट करेक्ट है ना, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। ह्यूमन यूरोटेलिक, बर्ड्स यूरिकोटेलिक, लिजार्ड यूरिकोटेलिक, वेल अमोनोटेलिक, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ह्यूमंस यूरियोटेलिक, बिल्कुल सही लिखा है। ह्यूमन जो होता है यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीटा निकालते हैं, बर्ड्स यूरिक एसिड निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है। लिजार्ड जो होती है वो यूरिक एसिड निकालती है, यूरिकोटेलिक हो जाएगा। लेकिन वेल्स जो होती है वो अमोनोटेलिक नहीं होती है, वेल जो क्या होती है वो भी यूरियोटेलिक होती है। कैसी होती है, यूरियोटेलिक होती है ना, यूरिया के फॉर्म में ही वो वेस्ट मटेरियल निकालेगी है ना, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेल जो होती है क्या आपको पता होगा, मेमल्स में वेल जो होती है वो हम फिश बोल देते हैं, बट वो फिश होती नहीं है, वो किस में आती है, मेमल्स में आती है। और मेमल्स के कैरेक्टर्स भी उसमें देखने को मिलते हैं, जैसे बॉडी पे उसके क्या होता है, हेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड आपको मिल जाएगी, ठीक है, और ये लाइव जो यंग वन को प्रोड्यूस करती है ना, अंडे नहीं देती है, ठीक है, जिस जनरली फिश अंडे देती है, बट ये लाइव ब्रीडर होती है। और इसके ईयर में जो होती है थ्री बोन्स पाई जाती है ना, थ्री बोन्स होती है, ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर किसके होते हैं, मेमल्स के होते हैं, तो ये मेमल्स होती है, मेमल्स सारे किसके के होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं ना, यूरिया की फॉर्म में करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ का आंसर आपको करना है, किडनी स्टोन आर प्रोड्यूस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, है ना, किडनी स्टोन किसके डिपोजिशन से प्रोड्यूस होता है आपको बताना है। सिलिकेट्स, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सलेट्स, बताइए। नाइन्थ का आंसर आपको करना है। नाइन्थ का डी ऑप्शन बताया उमा कुमारी ने, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने भी डी बताया, चलिए बिल्कुल सही बताया दोनों का, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है उसका डिपोजिशन के कारण क्या होता है, किडनी में स्टोन हो जाती है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, चलिए सॉरी गुड इवनिंग। आज तबीयत खराब है तो मुझे दिमाग ही थोड़ा कम काम कर रहा है, तो थोड़ा सा आप साइन के लिए, तबीयत थोड़ी सी डाउन है आज, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है वो आपको बताना है। स्पाइडर में, माउथ मौत में पाई जाती है, स्कॉर्पियन में पाई जाती है या क्रेफिश में पाई जाती है, बताइए। टेंथ क्वेश्चन पे आ गए हम, टेंथ का आंसर आपको देना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने डी बताया। चलिए उमा कुमारी ने भी डी ऑप्शन बताया, देखते हैं, बिल्कुल सही बताया। ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो किसमें पाई जाती है, क्रे फिश में पाई जाती है, क्रे फिश को क्या बोलते हैं, प्रॉन बोलते हैं, नहीं हिंदी में अपन झींगा मछली भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, झींगा मछली बोलते हैं, ठीक है। और पूछा जाए अगर कि यहाँ पे अगर फाइलम पूछा जाता तो क्या फाइलम होता, ऑर्थोपोडा, क्या होता, ऑर्थोपोडा, ठीक है।
क्लास पूछी जाती तो क्या होता, क्लास पूछी जाती तो क्रस्टेशिया, क्या होता क्रस्टेशिया, और ऑर्डर पूछा जाता तो क्या होता डेकापोडा, क्या होता डेकापोडा, है ना, क्योंकि इसमें 10 पेयर्स लेग्स होते हैं, डेका मतलब 10, पोडा मतलब लेग्स, ठीक है। और इसमें प्रॉन आते हैं ना, प्रॉन तो है ही है, श्रिम्प, श्रिम्प भी प्रॉन जैसे ही दिखते हैं बट वो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बार्नेकल है, बार्नेकल में भी होता है ना, बार्नेकल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th का आंसर आपको करना है, सिमिलर स्ट्रक्चर इन फंक्शन, है ना, बताना आपको, सॉरी, अमीबा में मनुष्य की वृक के समान, है ना, वृक के समान समवृत्ति अंग पूछा है ना, समवृत्ति, कि अमीबा में मनुष्य के जो किडनी होती है वैसे ही अमीबा में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, कॉन्ड्रोटाइल वेक्यूल होता है, प्लाज्मा लेमा डेस्मेटा होता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बताइए। 11th का आंसर आपको करना है, इलेवेंथ का बी ऑप्शन बता रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उमा कुमारी ने भी बी बताया, चलिए बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल जो होती है वो क्या करती है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बाहर निकाल देती है ना अमीबा में, और अपने किडनी करती है ना। चलिए 12th का आंसर आपको करना, शाबाश, अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है ना, अमोनिया जो होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ किस में होता है, कैमल्स एंड वेल में होता है, या फिर कार्टिलेजिनस फिश में होता है, वेल और पोर्पोइज में होता है, या फिर फ्रेश वाटर फिश में होता है, बताइए। ट्वेल्थ का बी ऑप्शन बता रहे हैं, उमा कुमारी ने भी बताया है, चलिए देखते हैं, देखिए अमोनोटेलिक पूछा है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अमोनिया को उत्सर्जन के लिए क्या होता है, हाई अमाउंट वाटर चाहिए होता है ना, तो फ्रेश वाटर जो फिश होती है वो कैसी होती है, अमोनोटेलिक होती है, ठीक है, ध्यान रखिए, कैसी होती है, अमोनो टेलिक होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश का भी है, कार्टिलेजिनस फिश कैसी होती है, यूरिकोटेलिक होती है, यूरिक एसिड की फॉर्म में करती है ना, यूरिकोटेलिक होती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फ्रेश वाटर जो फिश होती है वो कैसी होती है, अमोनोटेलिक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13th का आंसर आपको करना है, इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, ऑफ फेरेटिमा हैज फंक्शन, फेरेटिमा के आंतरिक उत्सर्जी अंगों का कार्य क्या है, वो आपको बताना है, लोकोमोशन है, रेस्पिरेशन है, वाटर बैलेंस है, या एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बताइए। थर्टीन का आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं, देखिए फेरेटिमा का जो आंतरिक उत्सर्जी अंग जो होता है उसका कार्य पूछा है यहाँ पे, कुछ नहीं, वही उत्सर्जी अंग है तो क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा नाइट्रोजन वेस्ट जो उसको बाहर निकालेगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, 13 का डी बिल्कुल सही बता रहा है, चलिए वेरी गुड। 14 का आंसर आपको करना है,
कॉकरोच में उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है ना, कॉकरोच में उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रिडियम के द्वारा, कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा, पेरिटोनियल ग्लैंड के द्वारा, मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा, बताइए। कॉकरोच में उत्सर्जन पूछा है। फोर्टीन का डी बता रहे हैं, मगमारी। चलिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने भी डी बताया, बिल्कुल सही बताया। कॉकरोच में जो उत्सर्जन होता है वो मेलपिगियन ट्यूबुल्स, ऐसी ट्यूबुल्स होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं मेलपिगियन। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनको ट्यूबुल्स को क्या मेलपिगियन ट्यूबुल नाम दे दिया गया है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। ईच ह्यूमन किडनी हैज नियरली, है ना, मने मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10,000, 50,000, 1 लाख या 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख, है ना, बताइए। अपनी एक किडनी जो होती है ना, इसमें कितने नेफ्रॉन होते हैं, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, 15 का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी 15 का सी ऑप्शन बता रहे हैं, 1 लाख बता रहे हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने डी ऑप्शन बताया। चलिए, एक हमारी जो एक किडनी होती है उसमें कितने होते हैं? 1 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन, है ना, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों किडनी का पूछते हैं तो कितने हो जाते हैं? 2 मिलियन, है ना, 2 मिलियन हो जाते हैं। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, कितना हो जाता है? 20 लाख, ठीक है। चलिए, आज का सेशन के क्वेश्चन तो हमने कर लिए, कल वापस एक्सक्रीशन के क्वेश्चन हम लेंगे, है ना, तो आप एक्सक्रीशन को पढ़ के आइए। और आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है, बाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम ही आपको पढ़ के आना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं।